इस कविता के शब्द हैं, मैं कैसे छोटे मुखतब माँ दिव्य गुणों का गान करूं। ये हमारे तो असली पिता श्री महाराज जी और असली माँ अम्मा ही हैं, और ये भी शास्त्र वेदों के प्रमाणों के साथ में मैं कई बार बता भी चुकी हूं कि ऐसा नहीं कि हम लोगों का ये विचार है। इस संसार ये काशी विद्वत परिषद के जो मूर्धन्य विद्वान हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि श्री महाराज जी ही साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, और वैसे भी हमारे गुरु हैं, हमारे माता पिता अम्मा और श्री महाराज जी ही हैं। तो आज मातृ दिवस पे अम्मा के लिए ये मैंने लिखा है कि मैं कैसे छोटे मुख तब माँ दिव्य गुणों का गान करूं। आपके गुण तो दिव्य हैं, और हमें दिव्य कुछ भी दिव्य हो उसका ज्ञान नहीं है, हम तो बहुत छोटे हैं आपके सम्मुख, तो फिर आपके दिव्य गुणों का गान हम कैसे कर सकते हैं। अम्मा तब ममता के आगे फीका सा लगता सब आन, लेकिन हमने आपकी कृपा से आपकी ममता जो है, ममता भरा प्यार, उसका सुख पाया है। जो आपकी ममता का सुख है उसके आगे सब कुछ, दुनिया के जितने भी सुख हैं, जितनी भी मिठास है, वो सब फीकी लगती है। तेरी उपमा में बस तू ही है न अन्य समुचित उपमान। आपकी उपमा, आपका कंपैरिजन किसी और चीज से नहीं हो सकता, है न अन्य समुचित उपमान। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिससे आपका कंपैरिजन किया जा सके, उपमा दी जा सके। बात बात में हंसी खेल में अद्भुत देती तत्व ज्ञान। हम लोग अम्मा के पास जाते थे, कभी कोई दुखी मन से भी आता था तो अम्मा ऐसी हंस हंस के बात करती थी, पता नहीं चलता था कि वो कोई ज्ञान दे रही है, लेकिन वो हंस हंस के ही बात बात में ही बड़ा अद्भुत तत्व ज्ञान दे देती थी, जिससे मन को बहुत शांति मिलती थी। कभी कभी महाराज जी डांट देते थे किसी को तो लोग सीधे अम्मा के पास आते थे, तो उनके पास में कुछ और भी लोग बैठे होते थे, अम्मा हंस के कहती थी ये वहां से भगाया गया है तभी यहाँ आया है, डांट खा के आया है हंस वहां से, तो सब हंसने इस ढंग से वो कहती थी कि लोग हंसने लगते थे। फिर अम्मा पूछती थी क्या हुआ, वो बताता था कि फिर अम्मा समझा देती थी कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए था, क्यों महाराज जी नाराज हुए, तुम्हारा इसमें क्या कल्याण है। वो ऐसे कोई लेक्चर के तौर पे नहीं, वो हंस हंस के ऐसे ही सब कुछ समझा देती थी। दिव्य प्रेम अमृत बरसाती सहज भाव से हो निष्काम। अम्मा में बहुत ज्यादा निष्कामता थी श्री महाराज जी के प्रति भी, जो कि हम लोग हर समय देखते ही थे। कभी नहीं कुछ चाह किसी से, कभी नहीं कुछ चाह किसी से मेरी अम्मा दिव्य महान। उन्होंने कभी किसी से कुछ भी, किसी भी चीज की डिमांड नहीं की कि हमको ये चाहिए, ये हमको ला दो, इस चीज की हमें आवश्यकता है, नेवर। कोई ले जाता था प्यार से तो कभी उन्होंने नहीं कहा ये हमको पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है। जो कोई जो लेके जाता था उसे बड़ी खुशी से वो ले लेती थी, और कभी किसी से कोई डिमांड नहीं करती थी। जब जब गुरु ने डांट लगाई अम्मा के ढिग किया प्रयाण। वही जो मैंने अभी आपको बात बताई, अम्मा के पास लोग पहुंच जाते थे, कृपा भाव गुरु का समझा कर उनकी करुणा का दिए ज्ञान। हे जग जननी तुम्हारी जय हो, सदा सदा तीनों लोक महान समान। आपकी तीनों लोकों में जय जयकार हो, ममता का प्रसाद युग युग तम युग तुम बरसाओ हे गुण की खान। हे गुणों की खान, अब अपनी ममता का प्रसाद इसी तरह युग युग तक बरसाती जाए, ये हम लोग की कामना है। मैं कैसे
छोटे दुख तव मां दिव्य गुणों का कर बखान भाव भूता
Thank you.
प्यारी प्यारी भोली मारी अति सुकुमारी कर सन जीजे माँ पद हमारी अम्मा पापा दोनों एक पति है हमारी अम्मा पापा दोनों एक पति है हमारी चरण शरण लाऊं तो जाऊं जय जय श्री राधे।